वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल दिवस शेव्स में। नाउ आज का जो हमारा फोकस है, इट इज अबाउट अ न्यू शेविंग क्रीम और एक नया आफ्टर शेव और आई शुड से पोस्ट शेव बाम। और बहुत ही सिंपलिस्टिक रखा है आज की शेविंग को मैंने, तो जल्दी से मैं आपको पहले प्रोडक्ट दिखा देता हूं। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज अ न्यू शेविंग क्रीम एंड यू कैन सी द नेम इज डेलमी। वैसे मैंने भी पहली बार ही सुना है इसका नाम, इट्स डेलमी मेंथल प्लस। सो आई कैन एक्सपेक्ट दैट कूलनेस, सिंपली कूल डेलमी पॉपुलर शेविंग क्रीम। और ये जो क्रीम है, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं जो नॉर्मल इस तरह की क्रीम्स में होता है, बजट क्रीम्स में, एक्वा स्टेरिक एसिड, कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, परफ्यूम, बोरेक्स, मेंथल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑफ कोर्स एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एज यूजुअल, एंड इज मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय अ कंपनी कॉल्ड ऑरा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ड इन डिस्ट्रिक्ट थाने। तो महाराष्ट्र की ये कंपनी है और जो इसका जो प्राइस है, इट इज क्रीम में लिखा है ऊपर 40 रुपीज, तो 40 रुपए की ये क्रीम है। अब इससे पहले कि आज के सेशन की मैं शुरुआत करूं, डेमो की मैं शुरुआत करूं, मैं बताना चाहूंगा हमारे इंडियन वेट शिव जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उसके बहुत ही प्रोमिनेंट सदस्य श्री अमित कदाम्बे जी और उनकी कंपनी जो उनकी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट का नाम है shavingkit.in। तो ये बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट है, शेविंग रिलेटेड कोई भी आपको सॉल्यूशंस चाहिए बजट में तो वो बहुत अच्छे। और धीरे 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 क्या है, ये अपने प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो भी उसमें बढ़ाते जा रहे हैं, राइट फ्रॉम द रेजर्स, सेफ्टी रेजर्स जिसको हम डी रेजर्स कहते हैं, शेविंग क्रीम्स, ब्लेड्स और ना जाने क्या क्या बहुत चीज़ें, ट्रिमर्स और कॉस्मेटिक के बहुत अच्छे अच्छे प्रसाधन, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उन्होंने रखे हैं। तो shavingkit.in करके वेबसाइट, मेरा निवेदन है कि आप इसको जरूर विजिट करें। तो अमित कदाम्बे जी ने हाल ही में मेरे को कुछ शेविंग क्रीम्स और जो है आफ्टर शेव लोशंस भेंट किए हैं और उन्होंने कहा कि आप दर्शकों को दिखाइए, अपने सब्सक्राइबर मित्रों को। तो डेफिनेटली, तो थैंक्स अमित कदाम्बे जी जो आपने मेरे को ये क्रीम भेजी, आज मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। इसी के साथ एक और चीज मैंने देखा है कि जब मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने डी शेविंग शुरू की, वेट शेविंग शुरू की, तो जो मेरे पास इक्विपमेंट्स थे वो इतने नहीं थे और स्पेशली ब्लेड्स के मामले में मेरे को बड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किन ब्लेड्स से मैं शुरू करूं। तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे तो उसमें बताया है कि भाई आप इन सब ब्लेड्स जो है इंटरनेशनली अक्लेम्ड ब्लेड्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने तो देखा फेदर, मेरे को लगा कि ये दुनिया का शार्पेस्ट ब्लेड है। और उस समय मैंने बॉम्बे शेविंग कंपनी का एक रेजर खरीदा था जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, उसके साथ फेदर के लिए ब्लेड आए थे। तो वही ब्लेड मैं किसी भी अपने जो नए मैं टूल्स खरीदा था, रेजर खरीदा, उसमें लगाता था तो बड़े निक्स देते थे, कट देते थे, मैं कहता यार कैसा शार्प है कि मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को। और रेंज जो है ब्लेड्स की इतनी थी भी नहीं, ना नॉलेज थी। तो फिर मैंने क्या है, कई वीडियोस में देखा कि जो लोग हैं वो लोग क्या है कि कुछ ट्रायल पैक्स पहले देते हैं, उसमें कई तरह के ब्लेड्स होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंपनियों के ब्लेड्स, और उसमें जो उनको सूट करते हैं उनके इक्विपमेंट्स के हिसाब से, उनके स्किन के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। तो मैंने देखा ये सैंपल पैक जो है अमेजोन में उस समय अवेलेबल था, बट बड़ा महंगा था, 3,000 से 4,000 का। तो फिर मैंने तो भैया धीरे धीरे शुरुआत की, बट अमित कदाम्बे जी ने एक बड़ी अच्छी सहायता की हम इंडियन वेट शेवर्स के लिए, कि उन्होंने अपना एक सैंपल जो है जितने भी लोकली अवेलेबल ब्लेड्स हैं उनके सैंपल पैक्स या टक्स रखे हैं। मैं जल्दी से उसके दर्शन कराता हूँ आपको। सो ये मैंने हाल ही में प्रोक्योर किया है, ऑफकोर्स आई हैव बॉट इट, कम ऑन, ठीक है। तो ये मैंने जो है हाल ही में खरीदा और आप देख सकते हो यहाँ पे इतने अलग अलग तरीके के ब्लेड्स हैं जिनके बारे में आने वाले टाइम में मैं आपको अपने वीडियोस में बताऊंगा। इसमें स्टेटम है, फिर क्या कहते हैं, एक प्रो 500 है, निंजा है, विनर के दोनों ब्लेड्स हैं, दो तरह के ट्रिपल कोटेड एजेस, जोरिक का ब्लेड है, आरके के क्रोम और फिर टोपास के प्लेटिनम, इस तरह के उन्होंने 17-18 के करीब अलग अलग कंपनियों के टक्स रख दिए। तो ये बड़ी सहूलियत मिलती है
इन ब्लेड्स के बारे में, इन ब्लेड्स को यूज़ करके अलग अलग रेजर्स के साथ, और इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्राइस के हिसाब से दिए हैं। तो 375 का ये जो है एक ट्रायल पैक है। मेरी सलाह है कि अगर आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है ब्लेड्स में, तो इनको आप प्रोक्योर कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ट्रायल सैंपल पैक है, और इसमें अलग अलग टाइप के ब्लेड्स हैं। उन ब्लेड्स के बारे में डिटेल इन्होंने नाम, ब्रांड और प्राइसिंग के बारे में लिखा है। 7 o'clock सुपर प्लैटिनम, 7 o'clock पामा शार्प स्टील, सुपर मैक्स डायमंड है, सुपर नक प्लैटिनम प्लस और ना जाने क्या क्या। तो ये 17-18 डिफरेंट जो है कंपनी का ब्लेड है, आप ट्राई कर सकते हो। इट्स माई रिकमेंडेशन, गो फॉर इट। ओके, सो चलिए वापस आते हैं अपने शेविंग की तरफ। सो आज का मेरा रेजर वन ऑफ माई फेवरेट, स्ट्रोमा 7CS44, एंड इट्स अ हाइब्रिड रेजर। पहले भी मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ अपने वीडियोस में। तो वन साइड इज ओपन कॉम, अदर साइड इज यू कैन सी क्लोज। यहाँ पे एक सिर्फ बार है, इसमें टीथ नहीं दिख रहे हैं आपको, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया नर्लिंग, और जो प्लेट आप देख सकते हो बिल्कुल कॉपर टोन फिनिश की है, एंड इट्स अ गुड हेफ्टी रेजर, वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो इसको यूज करेंगे, और इसमें मैंने ऑलरेडी विनर का जो स्टेनलेस स्टील ब्लेड आता है वो लोड कर चुका हूं, उसका आज दूसरा इस्तेमाल होगा। एंड ऑफ कोर्स फॉर क्रिएटिंग लादर, आई एम गोइंग टू यूज पिंक वुल्फ सिंथेटिक ब्रश, बजट ब्रश, बट इट रियली गिव्स मी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर लेदरिंग। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। So today I am not going to apply any pre-shave oil. So this much of amount of this cream is I think okay. खुशबू typical एक barber shop, अभी इतना common हो गया इसको भी describe करना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग पूछते हैं barber shop smell के बारे में बताइए। तो एक typical आप जो है एक इसकी smell है, normally जो classic shaving creams आती हैं, जो budget shaving creams होती हैं, classic smell है इसकी, बट कूलिंग सेंसेशन है कि नहीं है ये मेरे को लादरिंग में पता चलेगा। सो लेट मी स्क्वीज आउट ऑल द वॉटर, लेट स्टार्ट लादरिंग। तो एज यू कैन सी, जिस तरह से शेविंग कम्युनिटी हमारी बढ़ रही है, बेड शेविंग कम्युनिटी बढ़ रही है, और उनकी जागरूकता जो है, उनकी नॉलेज भी बढ़ती जा रही है, और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें यंग मेंबर्स बहुत अच्छे से अब जो है ज्वाइन कर रहे हैं। आई कैन सी द रेंज ऑफ एज ग्रुप फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 30 to 35 ऑल्सो, दे आर ऑल्सो कमिंग, सो दैट्स वेरी गुड। तो ये बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट, एक पोर्टल डेवलप किया है जिसमें आपकी शेविंग और ग्रूमिंग रिलेटेड नीड्स पूरी हो जाती हैं। तो विदेशों में तो इस तरह की कई सारी यू नो पोर्टल्स हैं, मगर इंडिया में अभी ऐसे ऐसे इक्का दुक्का ही शायद हैं। तो उसमें अमित कलामी जी जो हैं, उन्होंने इंडियन शेविंग किट, सॉरी शेविंग किट डॉट इन करके, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, यू कैन विजिट एंड बाय द प्रोडक्ट्स। और बहुत ही वाजिब दाम है, बहुत ही किफायती दाम है। सो नाउ आई कैन फील द कूलनेस, बहुत ही कमाल का ब्रश है यार ये, वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसके, अल्ट्रा सॉफ्ट। सो बजट शेविंग क्रीम्स में बहुत सी कंपनियां हैं, सुपर मैक्स है,
उसका भी रिव्यू करूंगा आने वाले टाइम में आपको। जोरिक, उसके साथ ये डेलमी है, वाईजॉन है, बहुत पॉपुलर है वाईजॉन, वाईजॉन या वीजॉन, जो आपको एक अच्छा सिंपल अनुभव देके जाते हैं। So I think that's enough. सो फर्स्ट पास जो है मैं ओपन कॉम्ब से करूंगा एज यूजुअल। फर्स्ट पास एंड दिस इज रोबर 7 CS44 रेजर, हाइब्रिड रेजर लोडेड विथ विनर स्टेनलेस स्टील ब्लेड, और इस ब्लेड का आज सेकंड यूज है। सो आज की जो मेरी बियर्ड है वो 2 दिन पुरानी है, तो एक बार फिर से मैं कहूंगा अगर आपने नई नई वेट शेविंग में शुरुआत की है तो बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैंने अपनी लाइफ में शेविंग से रिलेटेड ये सीखी है कि समटाइम्स वेन वी फॉलो टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन वी कमिट हाराकिरी। हाराकिरी का मतलब समझ गए? इट्स अ जैपनीज वर्ड। वर्ल्ड वॉर 2 में कामिकाजे पायलट्स होते थे, करेक्ट? ये जैपनीज कामिकाजे मतलब वो पर्ल हार्बर का आपको ध्यान होगा, जहां पे जब वो अपने प्लेन क्रैश कर दिए थे उन्होंने शिप्स में पर्ल हार्बर में अमेरिका में, कामिकाजे, तो मरने के लिए तैयार कामिकाजे। उसी तरह से हाराकिरी का मतलब सुसाइड। तो YouTube में जब हम इस तरह के चैनल्स देखते हैं मेरे जैसे ऑफकोर्स, तो कई बार क्या होता है हम वो जो एक्सपर्ट गुरु लोग होते हैं उनकी बातों को इतना परफेक्ट मान लेते हैं कि हमें लगता है इन्हीं सब चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने भी ये गलती की थी स्पेशली ब्लेड्स के मामले में। तो फॉरेन के ब्लेड्स प्रोक्योर करो, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मैंने भी यूज किए हैं नो डाउट, मगर अगर नहीं मिलते वो तो लोकल जो अवेलेबल ब्लेड्स हैं उससे एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर होता क्या है, हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा शार्प है, कौन सा शार्पेस्ट है और कौन सा माइल्ड है। तो वहां पे आपको जो देसी चैनल्स है वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे मेरा जो गो टू रेजर है जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट्स इज विल्किंसन सोड, मेड इन इंडिया। और कई सारे विदेशी यूट्यूबर्स जो हैं शेविंग के महागुरु लोग वो उसको बहुत लाइक करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा पैसा आपको भी डालने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे अच्छे ब्लेड्स भी हैं, एस्ट्रा ग्रीन है, रैपेरा है, यू नो क्रिस्टल का आता है कि इज़राइली ब्लेड, बहुत अच्छे अच्छे ब्लेड हैं, पार्कर के ब्लेड भी बहुत अच्छे हैं, देसी कंपनी प्रीमियम ब्लेड्स हैं।
तो शुरुआत में आप पहले एक्सपीरियंस ले लो यार, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो ब्लेड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है हो सकता है वो आपकी लाइकिंग का ना हो। बहुत कम ब्लेड्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में ज्यादातर सब लोगों की एक कॉमन यू नो व्यूज होते हैं कि हाँ यार ये मस्त ब्लेड है, बहुत ही अच्छा ब्लेड है। सो ये क्रीम जो है ऐसे, चलो दूसरे पास के बारे में बताता हूँ। इस क्रीम के बारे में लादरिंग तो अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, बट 35-40 रुपीस के अंदर जो अपनी क्रीम्स आती हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्लिकनेस। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, वेरी वेरी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ रोमा 7। इसको मैं माइल्ड से मीडियम एग्रेसिव बोलूंगा। तो वही चीज़ है, जेल्स में जैसी स्लिकनेस मिलती है इसमें नहीं है, मगर इसने भरपूर अच्छा लादर क्रिएट किया जिससे कि मेरी शेविंग अच्छे से हो पाई। बट इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए आप, आपको थर्ड पास करना है तो फिर से यू नो जो थोड़ा बहुत लादर बचा है उसको अप्लाई कीजिए। मेरे को थर्ड पास की ज़रूरत बिल्कुल नहीं लग रही है। तो स्लिकनेस इज लेस, नो डाउट अबाउट इट, लादरिंग कैपेसिटी फैंटास्टिक, कूलनेस नॉट ओवरवेलमिंग, हल्की हल्की ठंडक का एहसास दिला रही है, स्मेल परफेक्टली क्लासिक बाबर शॉप। सो 40 रुपए में, और भैया तेरे को क्या चाहिए, दिवस समझा कर। हजार हजार के सोप हम खरीद लेते हैं और फिर उसे हम कहते हैं कि यार, तो बहुत फर्क है जो है सोप्स का, एक अलग लेवल हो जाता है वो, आप तब समझोगे जब उनको यूज करोगे। मगर अगर प्राइस पॉइंट देखो तो ये भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। टेल मी, सो यू रियली हिट मी, नॉट दैट हार्ड बट आई लाइक इट, सो लेट मी वॉश माई फेस। एलम से अच्छा फीडबैक आपको कोई नहीं दे सकता कि आपकी शेविंग कैसी हुई है। बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो मतलब आपने खूब ज्यादा घिसाई करी है चेहरे की। कुछ इलाकों में आपको जलन ज्यादा होगी, ये वाले यहाँ पे हम खड़ खण 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 करते हैं, ये वाले तो हैवी हैंड रखते हैं। सो वेरी स्मूथ, वेरी सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ शेव, बहुत ही सिंपल सस्ते बढ़िया प्रोजेक्ट है, बजट वाले मैं कहूँगा फिर से।
और इसमें भी आपको उसी तरह का आनंद आया। देखिए यही है, नेट शेविंग आपको एक रेंज दे देती है एंजॉय करने का। आप कभी कंपेयर मत करो वो महंगे वाले से और सस्ते वाले से, ऐसा करोगे नहीं। आपको हर टाइम में जो है एक जोन में आप चले जाओगे। तो प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, कम रेट में भी आप अच्छे से प्रोडक्ट कर सकते हो। मैं बीच में इस तरह के वीडियोज बनाता हूँ बजट शेव वाले, उसमें भी आपने देखा होगा हाउ हैप्पी आई फील। सो टुडे इज द सेम थिंग। तो थैंक यू अमित भाई इतनी बढ़िया शेविंग क्रीम भेजने के लिए, और आप हम वेट शेविंग की वेट शेवर्स की इसी तरह से सेवा करते रहिए। मेवा आपको हम टाइम पे पहुंचाते रहेंगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से। ओके फाइन, फैंटास्टिक, सुपर्ब, मजा आ गया। तो फाइनल पार्ट ऑफ टुडे शेविंग और एक और नया प्रोडक्ट। सो एज यू कैन सी बायो आयुर्वेदा एंड इट्स पोस्ट शेव बम। तो जल्दी से मैं जरा अपना चश्मा पहन लूं और आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये जो है पूरी तरह से एक हर्बल प्रोडक्ट है, आफ्टर शेव लोशन फॉर स्किन हाइड्रेटिंग एंड कूलिंग कंफर्ट। सो 7 ounce या 200 ग्राम का है ये, एंड इट हैज अ ब्यूटीफुल एटोमाइजर और आई शुड से नोजल। एंड हाउ टू अप्लाई, इन्होंने लिखा है मसाज अ स्मॉल अमाउंट ऑन द स्किन आफ्टर शेविंग एंड 100% प्योर, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% प्योर ऑर्गेनिक एंड सिंथेटिक्स फ्री। तो अब इसमें देखिए सारा आयुर्वेदिक मामला है, नीम है, हल्दी है, कुमारी है, नींबू है, पुदीना है, टी ट्री ऑयल और नेचुरल परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स। तो नेचुरल परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स, इट्स काइंड ऑफ ऑक्सीमोरॉन, हाउ कैन बी प्रिजर्वेटिव्स बी नेचुरल, आई डोंट नो, बट लिखा है तो कह रहे होंगे। तो नेचुरल परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल ऑफ इंडिया, एसेंशियली ऑफ प्योर कोको, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्योर कोको एंड शिया बटर बेस क्रीम एंड एसेंशियल ऑयल अरोमास, अलग अलग ऑयल्स के इसमें अरोमास का इन्फ्यूजन है। और ये जो है इट इज एज द कंपनी इज क्लेमिंग इट इज फ्री ऑफ सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन, अल्कोहल भी नहीं है, पेट्रोकेमिकल्स नहीं है, आर्टिफिशियल कलर परफ्यूम कुछ नहीं है, वेरिएशन ऑफ कलर अरोमा टेक्सचर आर कंप्लीटली नेचुरल। थोड़ा बहुत आप इस बार खरीद रहे हो, अगली बार कुछ चेंज हो गया अगर आपको कलर टेक्सचर में तो कलर में या सूंघने में अरोमा में, तो बिल्कुल कंपनी को गाली मत दीजिएगा, कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द टेक्सचर कंप्लीटली नेचुरल एंड रिफ्लेक्ट द रोबस्ट प्योरिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो दे आर सो श्योर अबाउट द प्योरिटी ऑफ देयर इंग्रेडिएंट्स, वाओ। एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अर्गनशे प्राइवेट लिमिटेड और मथुरा रोड न्यू दिल्ली में है, और bioayurveda.in करके इनकी वेबसाइट है। और जो है ये इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 2 years है। सो दिस इज दैट आफ्टर शेव बाम, एक नोजल को दबने से बचाने के लिए इन्होंने कि यहाँ पे एक प्लग दिया है। सो नाउ आई कैन यूज इट, ज़्यादा जरूरत नहीं है, गर्मी का टाइम है इतना काफ़ी आई थिंक। सो वो माय स्पेक्स, टिपिकल हर्बल स्मेल, हल्की सी वुडी नोट्स हैं, हर्बल नोट्स से ज्यादातर। इसको मैं पहले भी यूज कर चुका हूं 2 दिन शेविंग में, अभी हाल ही में मैंने एक प्रोडक्ट प्रोक्योर किया है। सही बताऊं बिल्कुल भी चिपचिपा एहसास नहीं देते, गर्मियों में भी आप यूज कर सकते हो हल्के से। और एनहर्ब के बाद ये मेरी लाइकिंग में आप आ गया है, और काफी कुछ इसकी खुशबू जो है सटल आपको एनहर्ब से भी मिलाती है, और एनहर्ब में जैसी आपको ठंडक मिलती है ना उससे थोड़ी कम ठंडक आपको इसमें लगती है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मेरे को लगा, और जिस तरह से क्लेम करते हैं कि हमने कुछ भी इसमें केमिकल नहीं डाले तो वंडरफुल। और अब होता क्या है, जब कंपनियां इतने बड़े टॉल क्लेम्स करती हैं तो हमें टेंशन आती है कि यार बड़ा महंगा होगा, फॉरेस्ट एसेंशियल टाइप ये 600-700-800 का होगा। तो भैया ऐसा नहीं है, 299 का है ये, और अमेजोन के थ्रू मैंने प्रोक्योर किया तो उसमें 30-40 का एक ऑफर डिस्काउंट का था, वो मेरे को मिल गया। तो विंटर्स के लिए तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया चीज़ है, मगर आप इस समय में जो सीजन चल रहा है अभी रेनी सीजन और ह्यूमिड है थोड़ा, तो मेरे को अच्छा लगा है। हाँ, इससे आप उस तरह की मैस्कुलिन स्मेल वगैरह की उम्मीद मत रखिएगा, बट ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे,
सेटिस्फाइड विद टुडे शेविंग। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको मजा आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में जो घंटी है उसको जरूर बजा दीजिएगा। ऐसा और लोग बोलते हैं, मैं भी अभी सीख अभी एक साल हो गया, अब तक सीखा नहीं है सब अपने को ना बेचना जिसे कहते हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग इट। सो कुछ सजेशन है आपके, कुछ आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो जरूर देते रहिए। कभी कभी मैं कुछ व्यवस्था की वजह से रिप्लाई नहीं दे पाता, मगर फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि हर एक जितने भी आप सब मेरे मित्र लोग हों, सब्सक्राइबर्स हों, उनके मैं रिप्लाई जरूर करूं। बाकी और मैं क्या कहूँ, अपना ध्यान रखिए, वेट शेविंग को इंजॉय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में समाचार वेट शेविंग के बारे में आप बताइए उनको, और अपनी कम्युनिटी में शामिल कीजिए। दिन की शुरुआत अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता है कि बाकी की शुरुआत आपकी अच्छी रहने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।